नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। 22 साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आंखों के सामने बेटा दीपेश और बेटी शुभदा की एक नदी में डूबकर मौत हो गई थी। इन दोनों बच्चों की याद में वो आज भी भोजन करते समय अपने थाली से दो दीपावली निकालना नहीं भूलते। तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब राजनीतिक लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी। वही जानकार भी मानते हैं कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चुनने का भाजपा का फैसला चौंकाने वाला रहा है। तो उधर अग्नि परीक्षा की घड़ी भी करीब है। महाराष्ट्र विधानमंडल का दो दिवसीय विशेष सत्र 2 जुलाई से होगा। इस बीच कई चुनौतियों के साथ उनकी प्राथमिकताएं अब एकनाथ शिंदे सरकार की परीक्षा लेंगी। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के नए मुखिया बने एकनाथ शिंदे अतीत में इतने बड़े सदमे से गुजरे हैं कि आज भी उस दिन को याद कर उनकी आंखें भर जाती है। लगभग 22 साल पुरानी घटना है जब उनकी आंखों के सामने बेटा दीपेश और बेटी शुभदा की एक नदी में डूबकर मौत हो गई थी। इन दोनों बच्चों की याद में वो आज भी भोजन करते समय अपनी थाली से दो निवाले निकालना नहीं भूलते। ये घटना उस वक्त की है जब शिंदे ने खुद को शिवसेना की राजनीति में स्थापित कर लिया था। वो परिवार के साथ अपने गाँव गए थे, वहां नदी पार कर रहे थे कि अचानक नाव पलट गई। देखते ही देखते बेटा दीपेश और बेटी शुभदा इस गहरी नदी में डूब गए। इस हादसे के बाद वो अवसाद में चले गए और उन्होंने राजनीति से दूर होने का फैसला कर लिया। उन्हें इस मनोदशा से उभरने के लिए परिवार, पार्टी और मित्रों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। महीनों तक वो सार्वजनिक जीवन से दूर रहे, लेकिन राजनीति में उनके गुरु और शिवसेना के तत्कालीन ठाणे जिला प्रमुख आनंद दिघे को उन्हें अवसाद से उभारने में कामयाबी मिल गई और धीरे धीरे वो राजनीति में सक्रिय होने लगे। शिंदे के पैतृक गांव का नाम है दरे। ये गांव महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। दरे गांव कोयना नदी के तट पर है। गांव के लोगों को हाड़ बाजार के लिए सड़क मार्ग से 50 किलोमीटर और नाव से 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। महाराष्ट्र में अब राजनीतिक लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी। जानकार बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का तत्कालिक काम पार्टी के भीतर विद्रोह के चरम को रोकना और शिंदे को बाला साहब की विरासत से दूर जाने से रोकना है। संभावना है कि नया गठन ठाकरे के वफादारों पर शिकंजा कस सकता है और अगर शिंदे समूह शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा करता है तो मातोश्री के लिए नई मुसीबत होगी। ऐसी खबर है कि शिंदे जल्द ही सेना भवन पर भी दावा पेश करेंगे, जिसमें कहा गया है उनका गुट मूल शिवसेना है क्योंकि ये बाला साहब के हिंदुत्व का समर्थन करता है। इसलिए उद्धव ठाकरे को एक लंबी राजनीतिक कानूनी लड़ाई के लिए अपनी कमर कसनी होगी और उनके कौशल की परीक्षा लेगी। एकनाथ शिंदे ने ट्विटर अकाउंट की जो प्रोफाइल फोटो लगाई है उस तस्वीर में दिखाई देता है कि बाला साहब ठाकरे भगवा कपड़ों में एक कुर्सी पर बैठे हैं। एकनाथ शिंदे उनके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे का हाथ बाला साहब ठाकरे की कुर्सी के एक हत्थे पर रखा है। माना जा रहा है कि शिंदे इस तस्वीर के जरिए शिव सैनिकों को संदेश देना चाहते हैं कि वो बाला साहब का बहुत सम्मान करते हैं और एक सच्चे शिव सैनिक है। बता दें कि गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चुनने का भाजपा का फैसला चौंकाने वाला था। ये ऐसे समय में और अहम हो जाता है जब पार्टी की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनावों और उसी साल में विधानसभा चुनावों की बड़ी लड़ाई पर टिकी है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि शिंदे गुट में से एक के सरकार में शीर्ष पर होने से और शिवसैनिकों व पार्टी पदाधिकारियों का समर्थन मिलने से उसे ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। शिंदे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना जैसे दलों के प्रति सहानुभूति रखने वाली राज्य की सबसे प्रभावशाली जाति मराठा से आते हैं। ऐसे में भाजपा के पक्ष में इस समुदाय को भी शिंदे लुभा सकते हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों में शिवसेना के दोनों धड़ों में सियासी जंग और तेज होने की उम्मीद है। यह मामला अभी चुनाव आयोग तक भी जाएगा। ऐसे में जमीन स्तर से उभरे मराठा राजनेता शिंदे को पार्टी के हिंदुत्व और जातीय उपराष्ट्रवाद से जोड़ने वाली पहचान उद्धव ठाकरे की संभावनाओं पर असर डाल सकती है। दरअसल शिवसेना के नारों, उसके लोगों और एक मराठा मुख्यमंत्री को नियुक्त करके भाजपा महाराष्ट्र के इतिहास में ठाकरे ब्रांड के सामने सबसे कठिन चुनौती पेश कर रही है। ठाकरे को शिवसेना से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि मराठी लोगों की कल्पना में शिवसेना और ठाकरे हमेशा एक रहे हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल का दो दिवसीय विशेष सत्र 2 जुलाई से होगा। अधिकारियों ने कहा कि एकनाथ शिंदे के राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। सूत्रों ने कहा कि सत्र के दौरान विश्वास मत भी होने की संभावना है, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। शिंदे ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विकास परियोजनाओं में तेजी लाने की जरूरत है। आधिकारिक बयान में शिंदे के हवाले से कहा गया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासन को एक दूसरे के सहयोग से काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें नागरिकों के विश्वास पर खरा उतरने की जरूरत है। शिंदे ने यह भी कहा कि कैबिनेट के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे अनुभवी नेता होने से उनके प्रशासन को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मेट्रो और समृद्धि एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। बयान में कहा गया है कि फडणवीस ने नौकरशाही से प्रशासनिक फैसलों में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे बुवाई कार्यों का भी जायजा लिया। शिंदे गुट अच्छी तरह से जानता है कि विपक्ष भी उतना कमजोर नहीं है। सत्र के दौरान तो सबसे पहले बागी का तमगा उन्हें परेशान कर सकता है। चुनौतियों के साथ उनकी प्राथमिकताएं अब एकनाथ शिंदे सरकार की परीक्षा लेंगी। मराठा आरक्षण का मुद्दा देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में गठित सरकार के समय से ही चुनौती बना हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा, इसके कारण आरक्षण का मुद्दा अब भी लटका हुआ है। अब एकनाथ शिंदे सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मराठा आरक्षण है। नई सरकार धनगर आरक्षण का हल कैसे निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इन दिनों काफी गर्म है। मुंबई सहित 14 महानगर पालिकाओं के चुनाव में ओबीसी आरक्षण हर हाल में लागू होना चाहिए, ये बीजेपी की मांग रही है। उद्धव ठाकरे सरकार की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट नकार चुका है। हालांकि अभी सुनवाई जारी है, लेकिन सरकार द्वारा पेश दस्तावेज में ओबीसी समाज की संख्या को सरनेम के आधार पर आंका गया है, उसका भी टिकना मुश्किल लग रहा है। नई सरकार इस ओबीसी समाज को मनपा चुनाव में कैसे आरक्षण दिलाने का प्रयास भी यक्ष प्रश्न बनेगा। इसके अलावा किसानों की आत्महत्या, उनकी आर्थिक स्थिति और कर्ज माफी नई सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों की स्थिति काफी खराब है। बेमौसम बरसात और सूखे की वजह से किसान समय पर बुआई नहीं कर पाते। साहूकारों के कर्ज से दबे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। सरकार के आदेश के बावजूद बैंक समय पर लोन नहीं देती। मोहम्मद साहब की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपुर शर्मा को जमकर खरी खोटी सुनाई। शीर्ष अदालत ने नुपुर से पूछा कि आखिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत ही क्या थी। तो जल्द बॉडी बनाने के चक्कर में फरीदाबाद के 5 दोस्तों ने एक ही सिरिंज से स्टेरॉइड ले लिया। पता चला है कि इनमें से 24 साल के एक युवक को HIV संक्रमण हो गया है। वही राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हुई नृशंस हत्या को लेकर केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा कि UAPA जैसा सख्त कानून बेहद जरूरी है, जिसे आतंकियों और दूसरों का सिर काटने वालों पर कार्रवाई की जा सके। तो उधर निर्वाचन आयोग 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अंतिम तौर पर तैयार मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इस बीच ओडिशा के पुरी में आज 1 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हो रही है। रथ यात्रा के लिए पहंडी अनुष्ठान शुरू हो गया है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद साहब पर टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपुर शर्मा को जमकर खरी खोटी सुनाई। शीघ्र अदालत ने नुपुर से पूछा कि आखिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत ही क्या थी। आप जैसे लोग बयान देकर लोगों को भड़काते हैं और माफी मांगने में भी देरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर से कहा कि आप जाकर TV पर माफी मांगो। गौरतलब है कि मोहम्मद साहब पर बयान देने के कारण मुस्लिम देशों में भारत की काफी फजीहत हुई थी। बीजेपी ने नुपुर को पार्टी से निलंबित भी कर दिया था। जब नुपुर शर्मा की तरफ से वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनसे मुवक्किल ने अपने बयान के लिए माफी मांगी और बयान वापस ले लिया है, तो शीघ्र अदालत ने कहा कि इसमें भी देरी की गई थी। आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। एक तो आपने बयान देरी से वापस लिया और उसमें भी शर्त लगाई कि अगर भावनाएं आहत हुई हो तो अपना बयान वापस लेती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सख्त टिप्पणियां की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयानों से पूरे देश में माहौल बिगड़ा। ये महिला अकेले इस पूरे माहौल के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बयान दे। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा मामले में दिल्ली पुलिस को भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, मुंह मत खुलवाइए, आपने तो लाल कालीन बिछा रखा था।
जल बॉडी बनाने के चक्कर में फरीदाबाद के 5 दोस्तों ने एक ही सिरिंज से स्टेरॉइड ले लिया है। पता चला है कि इनमें से 24 साल के एक युवक को HIV संक्रमण हो गया है। अब 4 अन्य दोस्तों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार है। फरीदाबाद में ऐसा मामला आने के बाद डॉक्टरों का कहना है मात्र 5 रुपए में आने वाली सिरिंज अलग अलग खरीद ली जाती तो संक्रमण नहीं होता। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। कभी भी इस्तेमाल की गई सिरिंज से इंजेक्शन ना लगवाए। फरीदाबाद में सामने आई घटना में पता चला कि 5 दोस्तों ने एक ही जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं। वहां इन्हें जल्द बॉडी बनाने की धुर सवार थी। 5 दोस्तों ने एक ही सुई से स्टेरॉइड लिया। इनमें से एक युवक ने HIV की पुष्टि हुई है। स्टेरॉइड वैसे भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। कुछ दिन पहले युवक का स्वास्थ्य खराब हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया। लक्षणों के आधार पर डॉक्टरों ने HIV टेस्ट की सलाह दी। इसके बाद एक स्वास्थ्य केंद्र पर यह जाँच कराई गयी जिसमे HIV का पता चला। स्वास्थ्य विभाग की काउंसिलिंग में इन्होंने असुरक्षित यौन संबंध से इनकार किया है। डॉक्टरों के अनुसार संक्रमित की पहचान समय से होने से इसके इलाज में कुछ सहूलियत होगी। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हुई नृशंस हत्या को लेकर घमासान तेज है। इस बीच केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा कि UPA जैसा सख्त कानून बेहद जरूरी है जिससे आतंकियों और दूसरों का सिर कटने वालों पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानून जरूरी है। लोगों के अधिकारों की रक्षा और दूसरे के जीवन की सेफ्टी के खिलाफ UAPA जैसे सख्त कानूनों की आवश्यकता है। RK सिंह की इस टिप्पणी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर कटने वाले आतंकियों को निपटाने के लिए अलग कानून बनेगा। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव RK सिंह ने कहा कि बिहार और केंद्र दोनों में गृह विभाग संभालने के दौरान उन्हें आतंकवादियों और नक्सलियों के खतरे से अवगत कराया गया। कभी कभी आम लोगों यहां तक कि उन पुलिस कर्मियों तक को ढूंढना मुश्किल होता है जो उनके खिलाफ सबूत दे सकते हैं। हालांकि अपनी सुरक्षा की डर से कुछ भी कहने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में अपराध नियंत्रण अधिनियम और UPA जैसे विशेष कानूनों का होना आवश्यक है ताकि हम आतंकवादियों और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके जो दूसरों का सर कलम करते हैं। इसे स्वीकार करना होगा। उनकी ये टिप्पणी उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के लिए UPA के तहत 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की पृष्ठभूमि में आई है। निर्वाचन आयोग 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की अंतिम तौर पर तैयार मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। परिसीमन की कवायद में विधानसभा क्षेत्रों का दायरा फिर से तय किया जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश की पहली मतदाता सूची को फिर से तैयार किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने 31 अक्टूबर को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पहले विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए समय सीमा दी है। अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची होती रहेगी क्योंकि लोगों को मतदाता के रूप में नामांकित करने के लिए हर साल 4 कट ऑफ तारीखें हैं। अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को या उससे पहले 18 वर्ष के होने जाने वाले लोग मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया को गति देते हुए निर्वाचन आयोग ने इस महीने की शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश के परिसीमन कवायद के बाद मतदाता सूची में संशोधन की शुरुआत की थी और अब 31 अगस्त तक मसौदा तैयार किया जाएगा। समय सीमा के अनुसार एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 1 सितंबर को किया जाएगा। सितंबर का पूरा माह दावा आपत्ति दर्ज कराने के लिए रखा गया है। का निस्तारण 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। ओडिशा के पुरी में आज 1 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हो रही है। रथ यात्रा के लिए पहंडी अनुष्ठान शुरू हो गया है। बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक चलेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जगन्नाथ रथ यात्रा की देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। PM मोदी ने लिखा, रथ यात्रा के विशेष दिन की बधाई। हम भगवान जगन्नाथ से उनके निरंतर आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। हम सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशियां मिले। कोरोना महामारी को 2 साल के बड़े अंतराल के बाद आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है।
इस रथ यात्रा में श्रद्धालुओं को हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की गई है। 12 जुलाई तक चलने वाली इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर निकलते हैं। इसमें पहला रथ भगवान जगन्नाथ का, दूसरा भाई बलराम और तीसरा बहन सुभद्रा का होता है। भगवान जगन्नाथ हर 3 किलोमीटर लंबी यात्रा करके अपनी मौसी गुंडीचा के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यहाँ वे 7 तक विश्राम करते हैं और फिर दोबारा जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। इन रथों को मोटे रस्सों से खींचा जाता है। इस भव्य यात्रा के लिए कई महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। हर साल खास मुहूर्त में रथों के लिए लकड़ी इकट्ठी करने का काम शुरू होता है, फिर मंदिर के बड़े रथों का निर्माण करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन रथों में न तो धातु का उपयोग होता है और न ही कील का। पाकिस्तान की जनता पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रही है और अब बिजली गुल होने और इंटरनेट सेवाएं बंद होने की चेतावनी मिलने से काफी परेशान है। तो चीन ने G20 नेताओं की अगले साल होने वाली बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित करने की भारत की योजनाओं का विरोध किया है। वहीं रूसी सेना ने रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे काला सागर के स्नेक आइलैंड पर को छोड़ दिया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने इस आइलैंड के रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है। तो उधर नुपुर शर्मा विवाद में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला कतर भारत के दुश्मनों के साथ गठजोड़ कर रहा है। इसी बीच नासा ने दावा किया है कि वो एलियंस का राज सुलझाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद होने की नौबत आ गई है। शहबाज शरीफ की सरकार में वहां की जनता पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रही है और अब बिजली गुल होने और इंटरनेट सेवाएं बंद होने की चेतावनी मिलने से काफी परेशान है। खबर है कि बिजली संकट के चलते वहां के दूरसंचार ऑपरेटरों ने मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद करने की चेतावनी दे दी है, क्योंकि बिजली में भारी कमी से उनके संचालन में समस्या और बाधा उत्पन्न हो रही है। दरअसल अगले महीने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर सहमत होने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान को अपने बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। उच्च कीमत और कम भागीदारी के कारण जुलाई के लिए निविदाएं रद्द कर दी गई, क्योंकि राष्ट्र पहले से ही व्यापक ब्लैकआउट से निपटने के लिए कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटों में कटौती की है और कराची सहित विभिन्न शहरों में कारखानों और शॉपिंग मॉल को जल्दी बंद करने का आदेश दिया है। बहरहाल पाकिस्तान में वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है यह सरकार की लचर अर्थव्यवस्था नीतियों को दर्शाता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां लोगों पर महंगाई की मार पड़ती रहती है और सरकार मात्र अपनी सैन्य क्षमताओं को दुरुस्त करने में लगी रहती है। चीन ने G20 के नेताओं की अगले साल होने वाली बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित करने की भारत की योजनाओं का विरोध किया है। पड़ोसी देश ने अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा कि संबंधित पक्षों को मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण और इस पर भारत की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर चीनी नेता झाओ ने कहा कि दोनों मामले बिल्कुल अलग अलग प्रकृति के हैं। चीन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का विकास करने और वहां के लोगों की आजीविका सुधारने के लिए परियोजनाएं संचालित की है। कुछ परियोजनाएं कश्मीर के उस हिस्से में हैं जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। परियोजनाएं चलाने वाली संबंधित चीनी कंपनियां स्थानीय लोगों की मदद के उद्देश्य से ये करती है ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में विकास और आजीविका में सुधार हो। इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीर पर हमारा रुख बदला है। इससे पहले पाकिस्तान ने गत 25 जून को कहा था कि वो कश्मीर में G20 के देशों की बैठक के भारत के प्रयास को खारिज करता है और उम्मीद करता है कि समूह के सदस्य देश कानून एवं न्याय के अनिवार्य तत्वों का पूरी तरह संज्ञान लेते हुए इस प्रस्ताव का स्पष्ट विरोध करेंगे। रूसी सेना ने रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे काला सागर के स्नेक आइलैंड को छोड़ दिया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने इस आइलैंड से रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है। हालांकि रूस ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि उसने नेकदिल दिखाते हुए इस आइलैंड को छोड़ा है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही इस द्वीप पर कब्जा जमा लिया था। यूक्रेन ने कहा है कि बड़े पैमाने पर चले प्रयास के बाद रूसी सेना को खदेड़ने में हमारे सैनिकों को सफलता हासिल हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक ने ट्वीट किया है कि स्नेक द्वीप पर अब कोई भी रूसी सैनिक नहीं बचा है। हमारे सशस्त्र बलों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। स्नेक आइलैंड काला सागर में स्थित यूक्रेन का महत्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य अड्डा है। जानकारों का मानना है कि ये आइलैंड रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे रूस के हटाने का मतलब है कि अब यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस की नाकाबंदी ढीली पड़ चुकी है। इस बंदरगाह पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन की अनाज आपूर्ति रुक गई थी।
इसके साथ ही काला सागर के रास्ते यूक्रेनी जमीन पर रूसी हमले की संभावना काफी कम हो जाएगी। वहीं इधर रूस का दावा है कि उसे नेक दिल दिखाते हुए स्नेक आइलैंड पर से कब्जा छोड़ा है। हालांकि दोनों ही देशों के दावों की स्वतंत्र तौर पर अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके बावजूद पश्चिम सामर्थिक कई सैन्य जानकारों ने स्नेक आइलैंड से उठते धुएं को दिखाते हुए दावा किया है कि यूक्रेनी हमले के बाद रूस को पीछे हटना पड़ा है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के दिए बयान के बाद हुए विवाद में कतर उन देशों में था जिसने भारत के खिलाफ सबसे पहले जहर उगला था। अब यही कतर भारत के दुश्मनों के साथ गठजोड़ कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आधिकारिक यात्रा पर कतर गए हुए हैं। बाजवा ने यहां कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अली थानी से मुलाकात की। इसके अलावा बाजवा ने डिप्टी प्रधानमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिहा से मुलाकात की। बाजवा ने कहा कि दोनों देशों में सौहार्दपूर्ण संबंध और भाईचारे की भावना है जो स्थायी साझेदारी में तब्दील हो रही है। वहीं कतर को आतंक का सामर्थ्य करने वाला देश पाकिस्तान शांति का दूत दिखाई देता है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर कई खाड़ी देशों ने भारत का विरोध किया था। कतर उन चुनिंदा देशों में से था जिसने भारत के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। कतर ने भारतीय राजदूत को तलब किया था। इसके साथ ही उसने भारत सरकार से आधिकारिक तौर पर माफी मांगने को कहा था। कतर ने इस मामले में कहा था कि ये पूरी दुनिया के मुस्लिमों का अपमान है। दरअसल ऐसा कतर ने इसलिए किया क्योंकि वो पूरी दुनिया के मुस्लिमों का नेता बनना चाहता है। मंगल ग्रह पर लंबे वक्त से जीवन की तलाश हो रही है। इसके लिए नासा ने एक रोवर भी उसकी सतह पर भेजा जो लगातार वहां से अलग अलग तरह के डेटा पृथ्वी पर भेज रहा है। अब नासा बोफिंस ने दावा किया है कि वो एलियंस का राज सुलझाने में बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जल्दी वो इसको लेकर खुशखबरी देंगे। नासा बोफिंस के मुताबिक अगर रोवर लाल ग्रह में 7 फीट नीचे खुदाई करते हैं तो वो एलियन से जुड़े सबूतों का पता लगा लेंगे। इस खोज में मंगल पर अमीनो एसिड की खोज शामिल है जो प्रोटीन बनाने के लिए एक घटक है। ये अमीनो एसिड ही अंतरिक्ष में जीवन की खोज की दिशा में गेम चेंजर साबित होगा। नासा के मैरीलैंड के स्पेस फ्लाइट सेंटर के अलेक्जेंडर पावलो के मुताबिक उनका मंगल मिशन काफी सही चल रहा है। अभी तक उसने 2 इंच खुदाई कर ली है। अगर वो 6.5 या 7 फीट खुदाई कर लेंगे तो एलियंस की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंगल की सतह में अमीनो एसिड होगा जिसको नष्ट होने में 20 मिलियन साल लगते हैं। अगर उससे जुड़े सैंपल हाथ लग गए तो ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर जीवन था या नहीं। हालांकि वहाँ के हालात अनुकूल नहीं है जिस वजह से 7 फीट की खुदाई में वक्त लगेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर पहले पानी हुआ करता था जिस वजह से वहाँ पर जीवन की संभावनाएं भी थी। तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीके बी न्यूज़। नमस्कार।